पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बागेश्वर धाम में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक अवैध हथियार के साथ पकड़ा गया। आरोपी युवक के पास से कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुट गई है। बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जान को खतरा है, इसीलिए उनकी सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री को पहले ही वाई कैटेगरी की सुरक्षा व्यवस्था दी गई। छतरपुर स्थित प्रसिद्ध बागेश्वर धाम में एक युवक तमंचा लेकर घुस गया। ये मुस्लिम युवक देसी कट्टे के साथ परिक्रमा पथ पर घूम रहा था। हथियारबंद युवक को देखकर लोगों के होश उड़ गए। लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। इस दौरान सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। गिरफ्तार आरोपी के बारे में जानकारी देते हुए एसपी अमित सांघी ने बताया कि आरोपी युवक की पहचान रज्जाक खान के रूप में हुई है, जिसके पास से एक अवैध कट्टा और कारतूस जब्त किया गया है। एसपी ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी किस मकसद से यहां आया था यह अभी पता नहीं चल पाया है। आरोपी युवक से पूछताछ की जा रही है। जल्द ही आरोपी युवक के मकसद के विषय में जानकारी दी जाएगी। ये दो दिन पूर्व एक आरोपी को पकड़ा है जो मूलतः जिला शिवपुरी का रहने वाला है और इसको थाना बमीठा द्वारा 25/27/67 की कार्रवाई इसमें की गई है और बागेश्वर धाम परिसर में ये पाया गया था और मंदिर के कुछ लोगों ने शक होने पर पुलिस को सूचना दी थी और पुलिस ने जाके इसको गिरफ्तार किया है और एक अवैध हथियार इसके पास से जब्त हुआ है। इसमें कार्रवाई की जा रही है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।